सो गाइस फाइनली एक बार फिर से आ चुका है पबजी बीटा के अंदर में अपडेट। और आप लोगों को पता होगा पहले वाले वर्जन के अंदर में चेयर पार्क ओपन नहीं हो रहा था, और आज फाइनली चेयर पार्क भी ओपन हो चुका है। और चेयर पार्क के अंदर पबजी मोबाइल में बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो अभी की वीडियो में वही चीज़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग को जब 1.3 का अपडेट मिलेगा तो उसके अंदर जो चेयर पार्क रहेगा तो उस वाले चेयर पार्क के अंदर आप लोग क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा। वीडियो आप लोग एंड तक देख लेना। तो फिलहाल मैं एंटर हो जाता हूँ चेयर पार्क के अंदर। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अभी फिलहाल चेयर पार्क के अंदर, और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं भाई, आप लोग खुद देखो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल के लिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं कहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ चेयर पार्क के अंदर पूरा का पूरा थर्ड एनिवर्सरी वाला, आप लोग कह सकते हो जो एम्यूजमेंट पार्क होता है, उसको पूरा का पूरा उठा करके चेयर पार्क के अंदर डाल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैप के अंदर भी। और ये काफ़ी एक बड़ी लोकेशन है लिटरली गाइस, आप लोगों ने पहले वाला जो एम्यूजमेंट पार्क देखा था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मतलब कितने पूरे एरिया में फैला हुआ है। एक बार सबसे पहले आप लोग चेकआउट करो। और ये वाले चेयर पार्क के अंदर काफी सारी न्यू चीजें, आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ चेयर पार्क ऐड किया गया, काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें आप लोग उधर देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे आप लोग सबसे पहले इधर आओगे, आप लोगों को इधर सीक्रेट कुछ एयर ड्रॉप देखने के लिए मिलेंगे जो इस तरह से छिपे हुए हैं, बट आप लोग इनको देखोगे तो अभी देखो ये जस्ट आज के दिन जो है ओपन हुआ है, तो इसमें काफी सारे ग्लिच और बग वगैरह हो सकते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर आप लोगों को लूट अच्छी खासी नहीं देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को इन ड्रॉप्स के अंदर भी अच्छा खासा सामान मिल जाएगा। बाकी ऊपर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो जो हमारे रैंगल मोड के अंदर सारी चीजें बनाई गई है, तो वहां पर आप लोग गेम वगैरह खेल सकते हो, लेकिन अभी के लिए इधर आप लोग कोई भी गेम वगैरह नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा नहीं आप लोग इधर गेम खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप लोग अपने बैकपैक को ओपन करोगे तो इधर आप लोग गेम टोकन मिलते हैं। अब ये गेम टोकन जब भी आप लोग मिलते हैं जब आप लोग इनका कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे, तो बेसिकली आने वाले टाइम में जैसे ये ग्लोबली आप लोगों को मिलेगा तो ऐसे में क्या होगा, जब आप लोग इधर आओगे तो आप लोग कहीं ना कहीं गेम टोकन को यूज करोगे और उससे आकर के आप लोग इधर कुछ मिनी गेम्स वगैरह खेल पाओगे। बाकी इधर की तरफ भी हम लोग को एक एयर ड्रॉप देखने के लिए मिला है जो कि बिल्कुल खाली है। बाकी इधर एक और कमाल की चीज है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखाता हूं, बहुत ही कमाल की एक एनिमेशन चल रही है पबजी मोबाइल की। बाकी ऊपर की तरफ में एक बहुत ही बड़ा जो है केक रखा गया है। सबसे पहले आप लोग ये वाला केक चेकआउट करो, जो हमने रैंगल में देखा था वो काफी ज्यादा छोटा था, बट ये वाला केक चेक करो भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो, आपके ऊपर क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगेगी। बाकी इधर एक और कमाल की चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जो कि नीचे की तरफ में है। तो नीचे की तरफ में आप लोगों को पूरा एक डिस्को चलाने वाला जो पूरा होता है ना, जो डीजे वगैरह चलाते हैं, वो वाली चीज़ें मिलेगी। और आप लोग इसके पास आओगे तो आप लोग को नेक्स्ट सॉन्ग करके इधर एक बटन देखने के लिए मिलेगा। इधर बेसिकली हो क्या रहा है, देखो इधर बहुत ज़्यादा खटर पटर करते हैं, आप लोगों को पता है चेयर पार्क के इधर बहुत लोग गन वगैरह चलाते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता। लेकिन आप लोग जैसे ही नेक्स्ट साउंड पर क्लिक करते हो तो एक अलग ही तरह की बीट निकल करके आती है, और वो सच में मतलब इधर प्ले होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप लोगों को सुनाई देगी, वो रियल में इधर जो है प्ले होती है। तो आप लोग जब ये ग्लोबली आएगा तब आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। बाकी अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझो कि इधर जो ये लगाया गया पूरा डीजे वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी इधर रखे गए हैं, इस पर इधर नेक्स्ट सॉन्ग का आप लोगों को बटन मिलेगा जिसको आप लोग यूज कर पाओगे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ में आप लोगों को पता है आप लोगों की राइड होती है, जिस राइड से आप लोग बहुत ही इजीली ऊपर की तरफ में जा सकते हो घूमने के लिए। तो फटाफट से एक बार हम लोग चलते हैं, बट इधर एक और एयर ड्रॉप मेरे को मिला तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी खाली है बेसिकली, तो हम लोग इधर बैठ जाते हैं और ऊपर तक हमारी राइड जो है वो जाने वाली है। तो सबसे पहले गेट इन मारते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऊपर से चेयर पार्क पूरा कैसा लगता है, और हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि चेयर पार्क में क्या और कुछ भी ऐड करा गया है। तो आप लोग इधर से देख सकते हो पूरा का पूरा चेयर पार्क बाकी तो पहले जैसा ही है, बाकी वैलेंटाइन डे वाली कुछ चीज़ें थी जो आई हुई थी वही सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। बाकी इधर एक पूरा का पूरा ये एम्यूजमेंट पार्क वाली जो सारी चीज़ें होती है वो इधर ऐड कर दी गई है। बाकी ये मतलब गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी लोकेशन है। तो गाइस आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को इधर एक मॉसी नेगेंट करके एक न्यू स्नाइपर राइफल देखने के लिए मिलेगी। तो फाइनली आप लोग इधर देख सकते हो उसको इधर जो है ऐड कर दिया गया है, और कार 98 से अलग है, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया था, बट दिखने में बिल्कुल सेम लगती है, थोड़ी बहुत ही अलग लगती है। बाकी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का है इसका पूरा स्ट्रक्चर। बाकी बहुत ज़्यादा कमाल के इसके ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी इधर आप लोग इसका लुक चेक कर सकते हो। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को 1.3 का ग्लोबली अपडेट मिलेगा तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जब कभी भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना करके बताऊंगी कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता है आप सभी से बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।